हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना यानी कि यूपी सेंसस 2011। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं जिसमें जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन जनगणना के देखने को मिलेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन जनगणना के जरूर देखने के मिलते हैं, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जनगणना से रहते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन भारत की जनगणना से रहते हैं। तो मैंने भारत की जनगणना का वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप वहां से जाके या वीडियो सेक्शन में जाके हमारे भारत की जनगणना का वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूपी की जनगणना 2011। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो जनगणना होती है 1872 से होती है, और जो नियमित जनगणना है वो 1881 से प्रति 10 वर्ष के बाद की जाती है। और जो जनगणना होती है प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो इस समय जो चल रहा है 2018, यानी कि इससे पहले जो जनगणना हुई थी जो 2011 में हुई थी, ये जनगणना 2011 से लेकर 2021 तक मतलब इसका डाटा जो है वैलिड है। यानी कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं 2018 से लेकर 2021 के तक, तो आपकी यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2 से 3 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है भारत के जनसंख्या में। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे मोस्ट पॉपुलस यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी कुल जो आबादी है 2011 जनगणना के अनुसार वो है 19,98,12,341, लगभग 2 करोड़। ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भारत की कुल आबादी के 16.50% है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपको याद रखना कि टोटल जो जनसंख्या है 19,98,12,341, और जो प्रतिशत में है 16.5% है कुल आबादी का भारत के। अगला क्वेश्चन जो बनता है ये बनता है कि 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि क्या थी। तो जो 2001 से 11 तक की 10 की वृद्धि वो थी 20.22%, जो कि राष्ट्रीय औसत की वृद्धि दर 17.7 से अधिक, यानी कि जो राष्ट्रीय वृद्धि दर है उससे 17.7 अधिक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो जो 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है भारत में 14वां स्थान आता है। और जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है वो है मेघालय। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, जो कि मैंने भारत के सेंसस में कवर कर रखा, वो भी वीडियो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य का औसतन जनघनत्व तो क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनघनत्व। जनघनत्व तो क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में किसी एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसको हम जनघनत्व तो बोलते हैं। तो जो राष्ट्रीय औसत घनत्व तो है वो 382 है, और उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व तो है जनगणना 2011 के अनुसार वो है 829। और सबसे मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड जो राज्य है वो है बिहार, जो कि मैंने भारत की जनगणना के वीडियो में कवर कर रखा है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है भारत का दूसरा स्थान है, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है भारत सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है भारत पहला राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है भारत में चौथा स्थान है। तो जो चौथा स्थान है उससे पहले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में, आपको ये भी याद रखना। पहला है राजस्थान, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है उत्तर प्रदेश चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से ये कि 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में 139 प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी कि 2001 से 2011 के दौरान प्रति जनघन वर्ग किलोमीटर में जनघनत्व की कितनी वृद्धि हुई, 139। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो जो उत्तर प्रदेश की कुल लिटरेसी यानी कि साक्षरता है 2011 जनगणना के अनुसार वो है 67.7%, जिसमें से पुरुषों यानी कि मेल साक्षरता है 77.3% और स्त्री यानी कि महिलाओं की साक्षरता जो है 57.2%। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये फैक्ट याद रखना कि कितना किसका प्रतिशत है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की
कुल साक्षरता कितनी है, तो आपको टिक ऑप्शन मिलेगा 67.7%, उस पर आपको टिक लगाना होगा। अगला क्वेश्चन, 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता में जो वृद्धि हुई कितनी हुई, तो वो हुई 11.34% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 943 से 31 कम है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लिंगानुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या है। तो जो भारत में प्रति 1,000 पुरुष पे महिलाओं की औसत संख्या है वो 343, और उत्तर प्रदेश की कितनी है, 943, और उत्तर प्रदेश में जो है प्रति 1,000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है 912, यानी कि भारत की राष्ट्र औसत से उत्तर प्रदेश में 31 कम है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 2000 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में प्रदेश का लिंगानुपात 14 की वृद्धि हुई, यानी कि जो 2001 में लिंगानुपात सेक्स रेशियो था वो 898 था, और 2011 में जो बढ़ के हो गया 912, यानी कि 14 की वृद्धि हुई, जो कि अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन ये बन के आता है कि उत्तर प्रदेश में वयस्क एवं शिशु, जिसकी जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष है, उनके बीच लिंगानुपात क्या है की दर से देश में कौन सा राज्य है, तो उस इसकी दर से उत्तर प्रदेश शिशु लिंगानुपात के अनुसार 26वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात क्या है, यानी कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें प्रति 1,000 में कितनी गर्ल्स हैं, तो उनका जो रेशियो है 902। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 0.57% है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जबकि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 8.6% है, जो कि मैंने ये भारत की जनगणना में कवर कर रखा है। अगला क्वेश्चन, अब ये सभी क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू रूप में कवर करूंगा। ये क्वेश्चन होगा, उसके चार ऑप्शन, पांच उसके नीचे फैक्ट दिए होंगे, तो ये जो फैक्ट हैं घटते हुए क्रम में, यानी कि पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन हैं, तो आपको पांचों नहीं याद रखना है, आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये इंटरव्यू में काम आएगा, लेकिन आप कोई भी ऑब्जेक्टिव या लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ दो ऊपर के याद रखने हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन हैं, आपके सामने हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ, लेकिन आपको सिर्फ दो ही ऊपर के याद रखने हैं कि इलाहाबाद और मुरादाबाद क्रमशः उत्तर प्रदेश के सबसे जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। इसी प्रकार से मैंने 20 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सब में मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 5 फैक्ट कवर कर रखे हैं, जिसमें से आपको सिर्फ ऊपर के दो याद रखने, अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पांचों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है, तो मैंने अभी सबसे अधिकतम जनसंख्या वाले जिले बताए, अब ये हैं न्यूनतम वाले। तो सबसे पहले सबसे कम महोबा, उससे थोड़ा ज्यादा चित्रकूट, उससे थोड़ा ज्यादा हमीरपुर, उससे थोड़ा ज्यादा श्रावस्ती, उससे थोड़ा ज्यादा ललितपुर। अगला क्वेश्चन ये बन के आता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो वाले 5 जिले कौन है, तो सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है जौनपुर में, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद देवरिया, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद सुल्तानपुर, ये सभी घटते हुए क्रम में है नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन है, यानी कि इससे पहले जो था अधिकतम सेक्स रेशियो, अब न्यूनतम, तो जो सबसे न्यूनतम न्यूनतम सेक्स रेशियो है वो गौतम बुद्ध नगर का, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद बागपत, उसके बाद कानपुर, उसके बाद बांदा, ये जो है ऊपर से नीचे सेक्स रेशियो बढ़ रहा है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम और सबसे ज्यादा बांदा का, इस क्वेश्चन के अनुसार। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले कौन हैं, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है गाजियाबाद का, फिर वाराणसी का, फिर लखनऊ का, फिर संत कबीर का नगर का, फिर कानपुर नगर का, यानी कि ऊपर से घटते हुए क्रम। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले कौन है? तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो ललितपुर का, फिर सोनभद्र का, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट। आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 2 याद रखने, लेकिन यदि आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 5ों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट मोर रिपीटेड क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन ये जरूर देखने को मिलेगा, 3-4 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना से, तो एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला कौन है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है, जो कि दिल्ली NCR रीजन के अंतर्गत आता है। यहीं इसी का शहर है नोएडा। नोएडा जो शहर है गौतम बुद्ध नगर का एक शहर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन है? तो ये हैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जो सबसे कम उत्तर प्रदेश में साक्षरता है वो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट की है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन है? तो सबसे ज्यादा जो पुरुष जो सबसे ज्यादा साक्षरता है ओवरऑल वो भी गौतम बुद्ध नगर की, और जो पुरुष साक्षरता है उसमें भी गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन है? तो जो ओवरऑल साक्षरता है उसमें भी श्रावस्ती सबसे नीचे है, और जो पुरुष साक्षरता है उसमें भी श्रावस्ती सबसे नीचे है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन है? तो जो कानपुर नगर है वो पुरुषों में और ओवरऑल में 2nd नंबर पे है, लेकिन महिलाओं में नंबर 1 पे है, और लखनऊ नंबर 2 पे है महिलाओं में। गौतम बुद्ध नगर 3रे पे है महिलाओं के क्षेत्र में साक्षरता में। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन हैं? तो जो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती ओवरऑल में भी है, पुरुष में भी है, महिला में भी है। तो आपको एक कॉमन फैक्टर मिल गया, कॉमन मिल गया कि आपको याद रखना कि न्यूनतम साक्षरता पुरुष में, महिला में और ओवरऑल उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिले में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 5 जिले कौन है? अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? जिसको कहते हैं SC कम्युनिटी। तो SC कम्युनिटी वाले सर्वाधिक जो लोग हैं वो किस जिले में हैं? तो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद सीतापुर, उसके बाद हरदोई, उसके बाद उन्नाव, उसके बाद रायबरेली। यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जो व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में हैं, और नंबर 2 पे सीतापुर में है। अगला क्वेश्चन न्यूनतम वाला है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले 5 जिले कौन हैं? तो सबसे कम जो SC कम्युनिटी है वो बागपत जिला में है, उसके बाद बरेली, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद रामपुर। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले कौन हैं? तो अनुसूचित जनजाति जो होता वो है ST कम्युनिटी, शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट जिसको को इंग्लिश में बोलते हैं। तो सर्वाधिक जो ST कम्युनिटी है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद ललितपुर, उसके बाद देवरिया, उसके बाद बलिया, उसके बाद कुशीनगर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी कि सबसे कम ST कम्युनिटी किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर है बागपत। बागपत डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है अनुसूचित जनजाति के पाए जाने वाले लोगों की संख्या। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा जो है नगर यानी कि सिटी है? तो नंबर 1 गाजियाबाद। गाजियाबाद सबसे ज्यादा नगरी या शहरी वाला जिला है। उसके बाद लखनऊ, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद मेरठ। तो आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? यानी कि उत्तर प्रदेश के वो कौन 5 राज्य हैं जहां न्यूनतम शहरीकरण है? तो सबसे कम जो शहरीकरण है वो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में है, और यहीं जो लिटरेसी यानी कि साक्षरता दर है वो भी यहीं सबसे कम है, उसके बाद कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन जो बन के आता है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन है? यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है उनमें कौन से जिले हैं? तो सबसे ज्यादा जो हुई है गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, उसके बाद बलराम। तो नंबर 1 पे जो है जनसंख्या वृद्धि में वो है गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन,
न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन है, यानी कि उत्तर प्रदेश के वो 5 जिले कौन है जिसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच में। तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो है कानपुर नगर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये थे सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जनगणना से जो बन सकते थे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें जनगणना आएगी तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो 50-50% का रेशियो रहता है। 50% उत्तर प्रदेश की जनगणना से क्वेश्चन रहेंगे, 50% भारत की जनगणना से क्वेश्चन रहेंगे। तो मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश की जनगणना से इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी वीडियो सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं या आप वीडियो के साथ एंजॉय किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमको बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि अभी हद तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पे नए हैं तो आपको नीचे ऐसा रेड बटन का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं आप तक तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो का PDF फाइल भी मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर कमेंट बॉक्स से, मैं दोनों जगह लिंक दे दूंगा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।